अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल चलते फिरते व्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज का सीन कुछ ऐसा कि मैं जा रही हूँ अपनी भतीजी की बर्थडे पर, और जैसे ही मैंने जाने का नाम लिया, ये जनाब के देख सकते हैं क्योंकि हम जा रहे हैं एक जसीम की बर्थडे पर। तो भाई देखे, ये उनके आपस का मामला है। वो बेचारी क्योंकि जब मेरा व्लॉग देखेगी तो यकीनन उसको बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि मेरे ऊपर ही कुछ कहा ही नहीं। तो भाई ये तुम्हारा और इनका मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो अब जनाब हम लोग जो है ना जाने लगे हैं, और ये जो है ना ये तैयार नहीं हुए। जैसे ही देखें चूड़े मसल्ली बन के खड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा यार चेंज कर लो, चेंज कर लो, पर चेंज इन्होंने किया नहीं है। तो मैं क्या कर सकती थी, तो मैंने कहा चल पुत्र तो एंड ही जा रहा है। वो जो लाल होते हैं ना, लाल वो मतलब के वो पड़े हो ना किसी खेत में या किसी जगह पर भी पड़े हो जो वो लाल ही होते हैं। कौन से वाले लाल, पीले लाल? जो वो लाल हीरे जवाहरात, यानी ये खुश फहमी है इनको कि ये जो है ना बहुत ही खूबसूरत हैं। अच्छा, चलो, चलो, और बड़े ही ना प्यारे हैं। खैर बात जो है ना मेरी इन्होंने काट दी है, और ये मर्द जो होते हैं ना बस औरत को ना समझते ही नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, खैर अब ना मैं वहाँ जाने लगी हूँ, तो मिलती हूँ वहाँ जाके। वहाँ का क्या सीन है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने हमें मैसेज किया कि यार छोटी सी बर्थडे पार्टी की, बच्ची खुश हो जाएगी तो तुम भी आ जाओ। तो हमने कहा कि चलो जी चले जाते हैं। अब मैं जा रही हूँ वहाँ और मिलती हूँ आपको वहाँ जाकर। अच्छा तो गाइस हम लोग आ गए हैं ये मैडम की बर्थडे पे, और ये जैसे छोटी सी पार्टी जैसे कहते हैं ना, मिनी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है, और उसने बड़ी मेहनत किया भाई अपनी बर्थडे पे खुद। ये आप देख सकते हैं जी क्यूटू सा केक है, और कसम से ये जो उसने लड़की लगाई है ना, सेम इसकी शक्ल वैसे ही है, काली सी डेले वाली कुड़ी जड़ी इन्हें लाई है। सच में इसने अपनी शक्ल लगाई है। अनु इधर आना, ये तुमने अपनी तस्वीर लगाई है। वाह वाह, इतनी तुम्हारे साथ मैच हो रही है ना मैं बता नहीं सकती। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाय हाय, फ्रोजन का बूथा ही नहीं नजर आ रहा भाई, अरे बहुत चिट्टी है। और ये है सबसे दुनिया का भूखा लड़का, जिसको इंतजार है कि कब केक काटा जाएगा और कब मैं इसे खाऊंगा। और ये इसका नाम मैंने रखा हुआ है दहशत गर्द। इसका असली नाम क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं है आप लोगों से ना ही मुझसे, बस इसका नाम मैंने रखा है दहशत गर्द, और ये है दहशत गर्द। ये देखें जनाब, बंदर के हाथ में माचिस आ गई है, और अब ये पूरे जंगल को आग लगा के छोड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिस जो खड़ी हुई हैं, इनकी बेटी का बर्थडे है, और ये वैसे मम्मा लगती तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे कह ही देते हैं कि ये बेचारी मम्मा लग रही है। और ये मेरा कोजा सा हस्बैंड, यू नो आज चूड़ा मसल्ली तो बना ही हुआ है, पर कोई बात नहीं, अब हस्बैंड जो है क्या कह सकते। आज बर्थडे है तो आज हम पहले तो उसकी जो है वो खातिर तवासा करते हैं, और उससे पूछते हैं कि उसको कितने साल हो गए हैं यहाँ पर धक्के खाते हुए और उसकी क्या उम्र हो चुकी है, जिंदगी को जाया करते हुए कितने साल हो गए हैं। तो ये है वो जरासीम जिसकी आज गजब बेइज्जती है। गाइस यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। तेरह साल हो गया। अच्छा मजीद, क्या आपने सोचा हुआ मजीद कितने जरासीम इकट्ठे कर रहे हैं? इसको कहते हैं किराए का बर्थडे बॉय। इसकी ना बर्थडे बेचारे की किसी ने की नहीं है, और ये उसके केक को लेके बैठ गया। और ये कौन पकड़ेगा गाइस, मुझे तो इसका नाम ही नहीं आता। इसका नाम है हैप्पी सेलिब्रेशन। नहीं, इसका नाम होता है।
मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बेचारी को अंदर क्यों धस दिया इन्होंने और इसको जीता जी ना इन्होंने वो दीवारों के अंदर तालाब में नहा रही है, दीवारों के अंदर चुनवा दिया, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और ये जो एक है ना, ये बेचारी गिरती जा रही है, ओह पता नहीं लंगड़ी हो गई है क्या हुआ इसे, उसका बेचारी का सेहत से हाथ इतना तंग है कि अब जी केक को गौर से देख लें, क्योंकि थोड़ी देर तक आपको ये नजर को देख लें और ये इस जंगली को भी देख लें, ये भी आपको थोड़ी देर तक बिल्कुल क्या खूबसूरत समा है, बर्थडे गर्ल माचिस लेकर आई है बारिश में भीगी हुई, और वैसे भी मास्क लगा हुआ था, फूंक तो पहुंचनी नहीं थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, डर गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आनम, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह 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 वाह, ये देखिए गाइस, वो गिर गया, ये क्या प्रैंक हो गया गाइस, बर्थडे का प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये केक पे नजर जमाए ना, वो कमो की तरह ना गाइस, यहाँ पर मेरा खुद का त्रो निकल गया था, लेकिन ये जो जंगली है इसका कोई त्रो नहीं निकला, क्योंकि ये इसको सिर्फ खाने की पड़ी हुई है। ये जी फाइनली केक मिल गया, कैसा है केक? लेकिन ये मुझे भी खिला दो। तो जी मुझे भी खाने को मिलेगा, केक तो गाइस मजे का। और इस जंगली को आपने नोट करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपके पास भी ऐसा कोई जंगली बच्चा है या ये सिर्फ इकलौता पीस हमारे घर में ही पाया गया। उसकी मम्मा को ना थोड़ा गुस्सा आ रहा है, पर कोई बात नहीं, दिस इज योर जंगली चाइल्ड, हम क्या कर सकते हैं। अपनी भतीजे की बुराइयां, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी चल ही जाती है। लेना चाह रहे हैं, कोई लेना चाह रहा है, अगर आपने लेना है तो हमसे आप रब्ता करें, ये बच्चा मैं देना चाह और गाइज लेना है इंशाल्लाह, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमें दोबारा पैसे देकर, क्योंकि आप हमें पैसों के साथ इसे वापस लेकर जाएंगे, तो अगर आपने लेना है तो हमसे रब्ता जरूर। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।